सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के परिवार ने भी अपना नोट जो है वो सबमिट कर दिया है। इससे पहले आज सुबह रिया ने और बिहार सरकार की तरफ से और रिया की तरफ से जो है सबमिट कर दिया गया था, और अब जो है सुशांत के परिवार ने भी नोट सबमिट कर दिया है। इसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही है कि जो रिया की प्ली है, उनकी प्ली थी कि ये जो है केस ट्रांसफर हो जाना चाहिए पटना से मुंबई, तो उनका ये कहना है, दावा है कि इस पूरी बात का अब कोई आधार ही नहीं रह जाता, ये निराधार हो चुकी है, क्योंकि खुद ही रिया सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है और वो भी चाहती है कि सीबीआई जांच हो, यानी कि वो चाहती है सीबीआई जांच हो, हम भी चाहते हैं, तो उस प्ली पर अब बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है या उस पर सुनवाई की बात ही नहीं रह जाती जब वो खुद ही सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है। इसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि जो पटना की बार बार बात हो रही है कि एफआईआर नहीं हो सकती थी, तो उसमें ये कहा गया है कि पिता वृद्ध हैं, पटना में रहते हैं, वो बार बार दिल्ली मुंबई नहीं आ जा सकते हैं, और जो है इस घटना का कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ है, इस घटना से फर्क कहाँ पड़ा है, इस घटना की वजह से परेशान कौन हुआ है, वो है पिता, और पिता कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं पटना में, तो पटना में भी बनता है क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस इस घटना के पूरे और पूरी तरीके से पटना में है और इसीलिए पटना में केस बनता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है उस नोट में लिखा गया है जो कि सबमिट की गई है। मुंबई पुलिस के बारे में लिखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक करने की कोशिश की, जो SMS भेजे गए थे फरवरी में उसको लेकर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, और मुंबई पुलिस जो है लगातार 40-50 दिन तक सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के लोगों की जाँच करती रही। तो वो सारी चीज़ें ब्रीफ में लिखी गई हैं जिसको लेकर दलीलें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले हुई थी। अब जो है सभी के रिप्लाई जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे उसकी एक डीप स्टडी होगी, और उसके बाद जो है जस्टिस रॉय जो कि इस पूरे केस को देख रहे हैं किसी तरह का जो है जजमेंट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। लेकिन उससे पहले जो है जितने भी रिप्लाई जाएंगे, मैंने आपको सुबह बताया कि किस तरीके से रिया ने 5 पेज का रिप्लाई दिया है, बिहार गवर्नमेंट ने 2 पेज का, और अब जो है सुशांत के परिवार की तरफ से भी नोट सबमिट कर दिया गया है। इसमें मोटे मोटे तौर पर वही सारी बातों को कहा गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान कही गई थी, जो दलीलें दी गई थी उन्हीं दलीलों को एक बार फिर से इस नोट में लिखकर सबमिट किया गया है, जिसमें 0 FIR, पटना मुंबई का जो ज्यूरिडिक्शन की बात है वो, मुंबई पुलिस ने जो काम नहीं किया वो, रिया की प्ली क्यों खारिज हो जाती है क्योंकि वो पहले ही CBI जांच की मांग कर चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला कर एक नोट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के परिवार की तरफ से उनके वकील विकास सिंह ने भी सबमिट कर दिया है।